जादुई बुक का जादू। कुछ समय पहले की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक लड़की और उसके माता पिता रहते थे। लड़की का नाम मुस्कान था, उसकी माता का नाम कल्पना देवी था और पिता का नाम सुरेंद्र था। मुस्कान के माता पिता बहुत गरीब थे, वो लोग रूखी सूखी रोटी खाते थे। मुस्कान के पिता खेत में खेती करते थे और उसकी माता घर पर रहकर घर संभालती थी। मुस्कान का पढ़ने का बहुत मन करता था, पर पैसों की कमी के कारण वो पढ़ नहीं पाती थी। एक दिन मुस्कान ने ठान लिया था कि उसे पढ़ लिख कर बहुत नाम कमाना है और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करना है। इसलिए उसने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे तुम कम से कम सरकारी स्कूल में ही डाल दो, वहाँ पर तो कोई फीस नहीं लगेगी, मैं उसी स्कूल में जैसे तैसे पढ़ लूँगी। अब मुस्कान की बात सुनकर उसकी माँ गहरी सोच में पड़ गई और उन्हें मन ही मन यही लगा कि मुस्कान ठीक ही कह रही है, सरकारी स्कूलों में तो कोई पैसा नहीं लगता, मुझे अपनी बेटी का दाखिला वहीं करवा देना चाहिए। इतना सोचकर कल्पना कहती है, हाँ बेटी तुम सही कह रही हो, आखिर सरकारी स्कूल में तो कोई पैसा नहीं लगता, अब उसमें तुम्हारा दाखिला करवा देंगे, फिर तुम आराम से पढ़ सकती हो। हमारी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण हम तुम्हें पढ़ा भी नहीं पाए और तुम्हारी इतनी इच्छा है पढ़ने की, तो मैं तुम्हारा दाखिला कल ही सरकारी स्कूल में करवा दूंगी, फिर तुम जी जान लगा कर पढ़ना। अब देखते ही देखते सुबह हो गई और कल्पना और मुस्कान पास के ही सरकारी स्कूल में उसका दाखिला कराने निकल गए। उनके गांव में सिर्फ एक ही सरकारी स्कूल था जिसमें बहुत कम बच्चे पढ़ने आते थे। उस स्कूल की दशा ज्यादा अच्छी नहीं थी और वहां के अध्यापक भी बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ाते थे। ये सब देखकर मुस्कान का मन अजीब सा हो गया। वो ये देखकर घबरा गई कि यहां ऐसे माहौल में वो कैसे पढ़ेगी। मुस्कान ने जैसे तैसे अपना दाखिला करवा लिया और उसके दूसरे दिन से वो वहाँ पर पढ़ने के लिए जाने लगी। आज उसका स्कूल में पहला दिन था। वो देखती है कि स्कूल में तो बहुत कम बच्चे पढ़ने आते हैं और अध्यापक भी कभी कभी कक्षा में क्लास लेने के लिए नहीं आती। ये देखकर मुस्कान उदास हो जाती है और अपनी पुस्तकों से ही पढ़ने लगती है। वो स्कूल में जाकर ना ज्यादा किसी से बात करती और ना ही किसी को अपना दोस्त बनाती, वो सिर्फ स्कूल में पढ़ाई करती थी। कुछ दिन सरकारी स्कूल में पढ़कर उसने एक साल कैसे न कैसे निकाल दिया। अब उसकी एक कक्षा पूरी हो चुकी थी और अब उसके पेरेंट्स मीटिंग थी। उस मीटिंग में उसे अपने माता पिता के साथ आने के लिए कहा गया था। जब अगले दिन पेरेंट्स मीटिंग पर मुस्कान अपने माता पिता को अपने साथ लेकर आती है और स्कूल में पहुँचती है। नमस्ते मुस्कान की माता। नमस्ते मास्टरनी जी, मुस्कान ने ठीक से पढ़ाई तो करी है न? मुस्कान की मम्मी, आपकी बेटी तो बहुत होशियार है, इसके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं और ये हर सब्जेक्ट में अव्वल है, ये पढ़ाई में बहुत तेज है, आप मेरी बात मानो तो इसे किसी अच्छे स्कूल में डलवा दो, ये सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लायक नहीं है, अगर आप इसे अच्छे स्कूल में पढ़ाओगी तो ये एक अच्छी अफसर बनेगी, अभी तो इसकी पूरी जिंदगी पड़ी है, आप इसे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हो, मेरी बात मानो तो किसी अच्छे और महंगे स्कूल में इसका दाखिला करवा दो। वो क्या है ना मास्टरनी जी, हम अपनी बेटी का दाखिला अच्छे स्कूल में तो करवा दे, पर हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इसको अच्छे और महंगे स्कूल में पढ़ा सके, इसलिए मजबूरी के कारण हमने इसका एडमिशन सरकारी स्कूल में करवाया ताकि इसका मन लगा रहे। इसके पापा खेती बाड़ी करके घर चलाते हैं और एक किसान के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा। और रही बात मुस्कान की, तो मुस्कान बहुत होशियार है, वो कहीं भी किसी भी स्कूल से पढ़ लेगी, आखिर मुझे अपनी बेटी पर बहुत भरोसा है। अब दोनों घर आ जाते हैं और घर आते ही मुस्कान अपने पिता सुरेंद्र को अपना रिजल्ट दिखाती है और ये देखकर सुरेंद्र की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अंदर ही अंदर बहुत भावुक हो जाता है। बेटी तेरा इतना अच्छा रिजल्ट देखकर मेरा मन तो भावुक हो गया, हमारे पूरे खानदान में आज तक इतने अच्छे से पढ़ाई लिखाई किसी ने नहीं करी, तो बहुत होशियार निकली, लगता है मुझे तेरा एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करवाना ही होगा। अपनी बेटी को इस तरह जी जान लगाकर पढ़ता देख और तरक्की करता देख सुरेंद्र ने ये ठान ली थी कि वो कैसे ना कैसे अपनी बेटी का दाखिला एक बड़े और अच्छे स्कूल में करवाएगा। सुरेंद्र ये चाहता था कि वो अपनी बेटी को इस काबिल और लायक बना दे कि उसे कभी भी उसकी तरह बेरोजगारी नहीं देखनी पड़े। सुनो भाग्यवान, मैं ये सोच रहा हूँ कि हम अपनी मुस्कान का दाखिला बड़े और अच्छे स्कूल में करवा देते हैं, जिससे वो आगे जाकर एक अच्छी अफसर बने, और अगर वो पढ़ लिख कर एक अच्छी अफसर बन गई, इसमें हमारा भी भला होगा,
तुम क्या सोचती हो? जी, आप सोच तो बिल्कुल सही रही हैं, पर हमारे पास इतना पैसा कहाँ है कि हम उस कान को इतने अच्छे स्कूल में पढ़ा लिखा सके। हम तो वैसे ही इतने सालों से कर्जों में डूबे हुए हैं। अगर अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे तो उसका खर्चा कहाँ से उठाएंगे, और इतने पैसे आखिर आएंगे कहाँ से? अरे भाग्यवान, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा और हमारी बेटी को इस लायक बना दूंगा कि वो कभी भी किसी के आगे कमजोर नहीं पड़ेगी और एक बड़ी अफसर बनके पूरे गांव के लोगों की मदद करेगी। एक दिन देख लेना। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा करिए, आखिर मैं भला आपको क्या कहूँगी। अब सुरेंद्र ये सोच लेता है कि वो अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा और लिखाएगा, पर उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो निराश हो जाता है। फिर उसके मन में ख्याल आता है कि वो अपना घर गिरवी रख के पैसे उधार मांगकर अपनी बेटी को पढ़ा लेगा। जब उसकी बेटी लायक बन जाएगी तो उसका कर्ज चुका दिया जाएगा। अब वो सीधा अपने घर के कागजात लेकर गांव के मुखिया के पास जाता है और उन्हें समझाता है कि मेरी बेटी के पढ़ाई के लिए मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए आप मुझे पैसे दे दो और मेरे घर के पेपर गिरवी रख लो। गांव का मुखिया सुरेंद्र की बात समझ जाता है और उसे उसके घर के कागजात लेकर उसके बदले में पैसे दे देता है। अब सुरेंद्र और उसकी बीवी दोनों मुस्कान को साथ ले जाते हैं और उसका एडमिशन एक बहुत बड़े स्कूल में करवा देते हैं। वो स्कूल बहुत बड़ा और सुंदर था, वहाँ के अध्यापक सब होशियार थे, पर उसकी उम्र ज्यादा होने की वजह से उसे चौथी कक्षा में दाखिला करवाना पड़ा। अब देखते ही देखते वो दिन प्रतिदिन स्कूल जाती, पर उसे अपनी कक्षा में कुछ समझ नहीं आता था। वो चुपचाप बैठी रहती, किसी से बात नहीं करती, वो मास्टर की बात उसके दिमाग में नहीं जाती थी, वो पढ़ाई से दूर होती जा रही थी। अब उसके पेपर पास आ गए, उसने जैसे तैसे पेपर दे दिए, पर जब उसका रिजल्ट आया तो वो निराश होकर अपना रिजल्ट लेकर घर पहुंची और अपने माता पिता को दिखाई। मुस्कान, ये क्या है, तुम तो इतनी अच्छी थी पढ़ाई में, पर अब जब हमने तुम्हारे ऊपर इतने पैसे खर्च किए, तुम्हारी पढ़ाई पर इतना पैसा लगा दिए, तो तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। आखिर यही दिन देखने के लिए क्या हमने अपना घर गिरवी रखकर तुम्हें पढ़ाने के लिए सोचा? तुम्हें पेपरों में फेल ही होना था तो हमें बता देती, हम तुम्हारा दाखिला इतने महंगे स्कूल में नहीं करवाते। दूसरी ओर सुरेंद्र अपनी बेटी का ये रिजल्ट देखकर मन ही मन बहुत दुखी हो गया था और वह इतना परेशान था कि उसने अपनी बेटी से कुछ नहीं कहा। नहीं माँ, ऐसा नहीं है, आप बस मुझे एक बार माफ कर दो, मैं अगली बार से अपनी जी जान लगाकर मेहनत करूंगी और आपको पास होकर दिखाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हें इस बार माफ कर दे रही हूँ, और अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारा दाखिला सरकारी स्कूल में करवा दूंगी। आखिर तुम्हारे पिता ने इतना पैसा खर्च करा है तुम्हारी पढ़ाई के लिए, तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, हम इतना खर्चा नहीं उठा सकते, तुम्हें पढ़ लेकर हमारा नाम रोशन करना ही होगा। अब मुस्कान ये ठान लेती है कि वो अब पेपरों में पास होकर रहेगी और मन लगाकर पढ़ाई करेगी। वो स्कूल में पढ़ती और ध्यान लगाती, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कक्षा आगे बढ़ने के कारण उसे पढ़ाई समझ नहीं आती थी, इसलिए वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर होती जा रही थी। ये देखकर उसका मन और विचलित हो रहा था, वो हमेशा चिंता में रहती थी। एक दिन वो स्कूल से घर आते समय नदी किनारे बैठ गई। मुस्कान वहाँ बैठी परेशान थी, वो गहरी सोच में थी कि वो क्यों पढ़ नहीं पाती है। तभी नदी में से जादुई परी निकल कर आती है और कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों हो और किस सोच में डूबी हो, मुझे बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी समस्याओं का हल निकाल सकूं। अब मैं आपको क्या बताऊं जादुई परी, मेरे माता पिता ने इतना पैसा खर्च करके मुझे इतने महंगे स्कूल में दाखिला करवाया, पर मैं पेपरों में फेल हो गई। कक्षा आगे बढ़ने के कारण मुझे अपनी कक्षा में कुछ समझ नहीं आता, अध्यापक क्या कह रहे हैं, इसी कारण मैं फेल हो गई। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। बस इतनी सी बात, इस समस्या का हल तो मैं चुटकियों में निकाल दूंगी, तुम इतनी चिंता मत करो, मैं लोगों की चिंता मुक्त करने का ही काम करती हूँ, तभी तो मैं परी कहलाती हूँ। अब परी अपनी जादुई छड़ी को घुमाती है और एक जादुई बुक बना देती है और उस जादुई बुक को मुस्कान को सौंप देती है। ये लो मुस्कान, ये आम बुक नहीं है, ये एक जादुई बुक है, इस बुक से तुम जब भी पढ़ोगी हमेशा अच्छे अंक से ही पास होगी और जिंदगी में खूब नाम कमाकर एक बहुत बड़ी अफसर बनोगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई परी, आपने मेरी सारी मुसीबतों का हल निकाल दिया, अब मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं जी जान लगाकर पढ़ सकती हूँ और आगे जाकर अपने घर वालों का सहारा बन सकती हूँ।
अब मुस्कान उस बुक को ले जाकर अपने घर में रोज उसी से पढ़ाई करती और देखते ही देखते वो हर परीक्षा में अव्वल नंबर लेकर आती। ये देखकर उसके माता पिता भी बहुत खुश थे कि उनकी बेटी अब अच्छे से पढ़ने लग गई है। ऐसे ही देखते ही देखते कुछ साल बीत जाते हैं और वो एक बड़ी अफसर बन जाती है। अब वो सरकारी दफ्तर में काम करती है। मुस्कान का ये सपना था कि वो अपने घर वालों के लिए एक अच्छा सा घर खरीदे और गांव वालों की सेवा करे। अब धीरे धीरे उसके सारे सपने पूरे होते गए और उसने अपने घर वालों के लिए एक बड़ा और आलीशान घर खरीदा और अपने माँ बाप का सारा कर्ज चुकाकर उनके साथ गांव में अपने आलीशान घर में रहने लगी और वो गांव के लोगों के लिए सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल और छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए एक स्कूल भी खुलवा दिया जिसमें गांव के सभी बच्चे पढ़ने आए और बड़े होकर अपना भविष्य बनाए। ये देखकर गांव के सभी लोग मुस्कान की वाहवाही करते थे और उसे खूब दुआएं देते थे। एक समय की बात है जब एक सुमित्रा नाम की औरत अपनी इकलौती बेटी संध्या के साथ सोनपुर नामक गांव में रहती थी। सुमित्रा के विवाह के बाद उसके पति का किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर चल रहा था। ये सब सुमित्रा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो अपनी बेटी को लेकर दूसरे गांव में रहने लगी थी। अपनी बेटी की अच्छी शिक्षा और उसका पालन पोषण करने के लिए वो घर पर ही सिलाई का काम किया करती थी और उससे पैसे कमाया करती थी। सिलाई करने से ही उसे कुछ पैसे मिलते थे जिससे वो अपनी बेटी का पढ़ाई का खर्चा और घर के राशन का खर्चा चलाया करती थी। संध्या बहुत छोटी थी इसलिए उसे अपने पिता के बारे में कुछ नहीं पता था। सुमित्रा अपने मन से कभी अपने पति का जिक्र नहीं करती थी। संध्या हमेशा अपनी माँ को बहुत लगन और मेहनत करते हुए देखती थी। वो भी अपनी माँ की मदद करना चाहती थी पर छोटी होने की वजह से वो कुछ कर नहीं पाती थी। अपनी माँ को रात दिन मेहनत करता हुआ देखकर संध्या को दुख होता था। अपनी माँ का काम में हाथ बटाने के लिए वो घर के छोटे मोटे काम कर देती थी। अपनी माँ को पानी देती थी और खाना दे देती थी। ऐसे ही संध्या और सुमित्रा का जीवन चल रहा था। एक दिन संध्या स्कूल से घर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ आपको पता है मेरे स्कूल में 3 दिन की छुट्टी है, अब मुझे 3 दिन स्कूल नहीं जाना है। क्या कहा, 3 दिन की छुट्टी? पर ऐसा क्यों? अभी तो कोई त्योहार भी नहीं आ रहा है, फिर ऐसी क्या बात है? नहीं माँ, त्योहार के लिए नहीं है, वो दरअसल बात ये है कि स्कूल वाले सभी को टूर पर लेकर जा रहे हैं, सारे बच्चे जा रहे हैं, इसलिए सर ने स्कूल की छुट्टी दे दी है। मैंने उनसे कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम घर पर रहना। पर संध्या तुमने ऐसा क्यों कहा, तुम भी तो सबके साथ टूर पर जा सकती हो। मैं सब समझ रही हूँ, तुमने ये सोचा था ना कि माँ के पास पैसे नहीं है, इसलिए तुमने टूर पर जाने के लिए मना कर दिया है ना? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, इसलिए मैंने कहा था बस। देखो संध्या, मैं सब जानती हूँ, और अगर तुम इस उम्र में घूमने नहीं जाओगी तो कब जाओगी? देखो पैसों की कोई चिंता मत करो, मैं पूरे दिन रात मेहनत करके तुम्हारे लिए ही तो काम करती हूँ। अगर मैं तुम्हें खुश भी ना देख पाऊँ तो ये तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे बताओ टूर के लिए कितनी फीस देनी है? माँ 1500 रुपए। इतना सुनने के बाद सुमित्रा अपनी सिलाई मशीन से उठ जाती है और पड़ोस में अपनी सहेली के घर जाकर उससे पैसे ले आती है और वो संध्या को दे देती है। ये लो टूर जाने के लिए फीस, मैं तुम्हारी आंटी के कपड़े सिलकर पैसे पूरे कर दूंगी और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो और सभी के साथ अपना टूर एंजॉय करो। टूर पर जाने की खुशी तो संध्या को बहुत ज्यादा थी, वो खुशी खुशी चली जाती है। संध्या के घर से चले जाने के बाद सुमित्रा को नींद नहीं आती है और वो रात भर बैठकर सिलाई मशीन पर सिलाई करती है। 3 दिन बीत जाते हैं, लगातार सिलाई करने की वजह से सुमित्रा की तबीयत खराब हो जाती है। संध्या जब अपने टूर से वापस आती है तो घर में चारों तरफ अपनी माँ को ढूंढते हुए कहती है, माँ 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 कहाँ हो आप? अरे माँ कहाँ हो? जब संध्या को अपने घर में उसकी माँ कहीं दिखाई नहीं देती तो उसकी नज़र घर में बिछी हुई खाट पर जाती है जिस पर उसकी माँ लेटी हुई थी और उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। अरे माँ आपको क्या हो गया है और आप बोल क्यों नहीं पा रही हो? चलो जल्दी से हम डॉक्टर के पास चलते हैं, आपको क्या हो गया है?
बेटी, मैंने डॉक्टर को घर पर बुलाया था, वो मुझे दवाई देकर गए हैं। उन्होंने मुझे कुछ दिन आराम करने के लिए कहा है। अब भगवान की यही मर्जी है। मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं सिलाई कैसे करूँगी। सिलाई के अलावा तो मैं कुछ और कर भी नहीं सकती हूँ। इतना कहकर सुमित्रा रोने लगती है। संध्या से अपनी माँ की इतनी बुरी हालत देखी नहीं जा रही थी और वो अपने घर के बाहर बैठी होती है। संध्या भी बहुत ज्यादा उदास थी। वो अपना मन हल्का करने के लिए जंगल के तरफ जाती है और वहाँ जाकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी वहाँ से एक परी निकल रही होती है। अरे लड़की, तुम इतना उदास क्यों हो? संध्या परी को देखकर उन्हें जोर से गले लगाती है और रोते हुए उन्हें अपनी सारी कहानी बता देती है। आप तो एक परी है ना, मैं आपसे मदद मांग रही हूँ। कृपया करके मेरी माँ को बिल्कुल ठीक कर दो, वो बहुत ज्यादा परेशान है। मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है जो मैं उनके बड़े अस्पताल में इलाज कर सकूं। संजय की सारी दुख भरी कहानी सुनकर परी अपनी जारी छड़ी से एक ऑटोमेटिक सिलाई मशीन निकालकर संध्या को देते हुए कहती है, ये लो संध्या, ये एक ऑटोमेटिक सिलाई मशीन रख लो, ये तुम्हारी मदद करेगी। संध्या परी से वो जादुई ऑटोमेटिक सिलाई मशीन लेकर घर आ जाती है। घर जाकर संध्या वो सिलाई मशीन अपनी माँ की सिलाई मशीन के साथ रख देती है। तभी वो देखती है कि सिलाई मशीन अपने आप चल रही है और पास में रखे हुए कपड़े अपने आप सिलकर तैयार हो रहे हैं, वो भी कुछ ही समय में ही। तभी संध्या को याद आता है कि परी ने कहा था ये एक जादुई ऑटोमेटिक सिलाई मशीन है। अब संध्या को सब कुछ समझ आ जाता है और वो धीरे धीरे करके वहाँ पर रखे हुए सारे कपड़े सिलकर तैयार कर देती है और जिनके कपड़े थे उन सबको दे देती है। ये सारी बात संध्या जाकर अपनी माँ को बताती है। ये सब सुनकर सुमित्रा को भी हैरानी होती है। तभी संध्या उस परी के बारे में सारी बातें अपनी माँ को बता देती है। संध्या अब अपनी माँ की मदद करने लगती है और सिले हुए कपड़े सभी लोगों को वापस दे आती है। संध्या की सिलाई मशीन बहुत तेज थी, वो मिनटों में ही कपड़ों को सिलकर तैयार कर देती थी। गांव में ये बात सभी लोगों को पता चल जाती है, इसलिए गांव के सभी लोग अब संध्या के घर पर ही अपने कपड़े सिलवाने आते हैं और लंबी लंबी लाइन में लगकर कपड़े सिलवाते हैं। सिलाई मशीन पर कपड़ा रखते ही मिनट में कपड़ा सिलकर तैयार हो जाता है। अब संध्या सिलाई मशीन से बने हुए कपड़ों से बहुत सारे पैसे कमा लेती है और उन पैसों से अपनी माँ का बड़े अस्पताल में इलाज करवाती है। अब संध्या की माँ सुमित्रा बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो अपने घर आ जाती है। अब दोनों माँ बेटी सिलाई मशीन पर सिलाई करती है और अच्छा खासा पैसा कमा लेती है। उन पैसों से वो अपने लिए बहुत ही अच्छा घर लेती हैं और उसमें एक साथ हंसी खुशी से मिलजुल कर रहने लगती हैं।